रिश्ते क्या कहलाता है में अगर अभिया को किसी का साथ कॉन्स्टेंटली मिलने वाला है तो वो है अरमान। जी हाँ फैंस, क्योंकि अभिया को घर से बाहर निकालने के लिए अरमान के फूफा सा करने वाले हैं कैसी प्लानिंग कि उन्हें रुपए देकर फंसा लिया जाए और बाद में जब एक बार फिर से अगर अभिया घर में आने की कोशिश करे तो उन पर इतने केसेस लगाए जाए कि उनकी पूरी जिंदगी जेल में सड़े। यही प्लानिंग होने वाली है अरमान के फूफा सा की, जिस पर कहीं ना कहीं दादी सा भी ट्रस्ट करने लगेंगी, यानी कि उनका साथ देने के बारे में सोचती नजर आने वाली हैं। पर अरमान कुछ ऐसी सिचुएशन को पलटते नजर आने वाले हैं और कहीं ना कहीं दादी सा से बिना कुछ बुलवाए एक ऐसा वादा लेते नजर आने वाले हैं कि वो अभिया को कभी भी घर से बाहर नहीं निकालेंगी। तो अब हम देखने वाले हैं कि जहां पर होने वाला है फंक्शन, मुंह दिखाई का फंक्शन, और उस दौरान हो जाएगा एक ऐसा हादसा जहां पर दादी सा के हिसाब से ट्रेडिशंस को ठेस पहुंचेगी और उसके बाद दादी सा के शब्दों से अभिया को। तो देखने वाली बात ये होगी फैंस की क्या अरमान उस वक्त चुपचाप बस दादी सा का गुस्सा सहन करते रहेंगे और अभिया तक पहुंचने देंगे, या फिर वो बोल पड़ेंगे कोई ऐसी बात जिसकी वजह से सबकी बोलती हो जाएगी बन जाने के लिए। स्टाफ उसकी शो रिश्ते क्या कहलाता है लगातार देखते रहिए। स्क्रिप्ट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। एवरीवन।